70वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री बीएल वर्मा जी, आज जिनके निमंत्रण पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप भाई जी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी और आज देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए आज की इस कांग्रेस में प्रतिनिधि नाते उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है कि बड़े लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं और हम सबका आज मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं आज देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख साथियों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन आजादी से पहले लगभग 115 साल पुराना है हमारे देश में और आजाद हुए तब से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बना लिया जाए। सहकारिता का पूरा कामकाज कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक जॉइंट सेक्रेटरी देखते थे और इसके कारण सहकारिता क्षेत्र को बढ़ने में, समय अनुकूल परिवर्तन करने में, पारदर्शिता लाने में और देश और विदेश में हुए बदलाव को अपने आप में समाहित करने में ढेर सारी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने 75 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करना चाहता हूं कि पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी हमारी राष्ट्रीय परिषद में आए हैं, हम सब खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के सम्मान में ढेर सारी तालियां बजाकर समग्र देश में संदेश दें। मित्रों, भारतीय सहकारी महासम्मेलन हम सब जानते हैं भारतीय सहकारी संघ ने आहूत किया है। भारतीय सहकारी संघ एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है और दिलीप भाई सांघाणी के नेतृत्व में मेरा ये जो 2 साल का अनुभव आया है, हर इनिशिएटिव को, हर बदलाव को, हर पहल को पैक्स से लेकर एपेक्स तक पहुंचाने में सहकारिता संघ ने बहुत अच्छा तालमेल भी बिठाया है और प्रयास भी किया है। आज जब हम यहाँ सब आए हैं तब मैं सहकारिता साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि 125 साल पुराना ये आंदोलन, इसने देश को अब तक काफी कुछ दिया है। ये सदी में हमने ढेर सारा उपलब्धियों को प्राप्त किया है मगर विगत 25-30 साल से हमारा क्षेत्र एक ठहराव की अनुभूति कर रहा था।
हमने ढेर सारे अचीवमेंट करे हैं, जैसे मैंने कहा कृषि वितरण, ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में हम लगभग 29% का हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक के वितरण में 35% का हिस्सा सहकारिता आंदोलन का है। उर्वरक के उत्पादन में 25% का हिस्सा सहकारी क्षेत्र का है। चीनी के उत्पादन में 35% से ज्यादा हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है। स्पिंडल के क्षेत्र में लगभग 30% स्पिंडल देश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलते हैं। दूध की खरीदी, बिक्री और उत्पादन में हमारा हिस्सा 15% को छू रहा है। गेहूं की खरीदी में 13%, धान की खरीदी में 20% और ढेर सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियां, मत्स्य उत्पादन समितियां और कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके माध्यम से विशेषकर छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारी क्षेत्र के आंदोलन ने बहुत सारा हमने किया है। आज सहकारिता महासम्मेलन से देश भर की सहकारिता हमसे अपेक्षा कर रही है कि हमने मोदी जी ने जो आजादी के अमृत काल की व्याख्या की है, आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक की, ये 25 साल गत सदी में हमने जो योगदान देश के विकास में किया है, उससे ज्यादा योगदान ये 25 साल सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। इस दिशा में भी हम आगे बात करेंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ढेर सारे इनिशिएटिव सहकारिता के क्षेत्र में लिए हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारों को खलल करे बगैर सहकारिता कानून में समानता लाने का एक प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मोदी जी के इनिशिएटिव से मल्टी सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन का काम संसद की संसदीय समिति ने सर्वानुमत से करा है। ढेर सारा कंसल्टेशन आप लोगों के साथ भी हुआ है और इसी सत्र के अंदर ये कानून आने वाला है। इसके साथ साथ पैक्स के कानून, पैक्स के उपनियम बायलॉज समग्र देश में अलग अलग थे, इसके अंदर एक वाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के बायलॉज को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पैक्स के कानून को, उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। देश के 85% पैक्स इस सितंबर के बाद एक ही बायलॉज से चलेंगे और उसके माध्यम से हमने पैक्स को बहुआयामी बनाने का काम किया है। पैक्स अब डेयरी का भी काम कर सकेंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति का भी काम कर सकेंगे। इससे पैक्स का एक्सपांशन बहुत सरल हो जाएगा और ढेर सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है, जैसे कॉमन सेवा केंद्र, जिससे पैक्स को वायबल बनाने में तो लाभ होगा ही होगा, मगर पैक्स एक प्रकार से ग्रामीण सुविधा का आत्मा बन जाएगा। रिटेल आउटलेट को बदलने में भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं। एक बहुत बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी प्रधानमंत्री जी ने अभी अप्रूव की है। हम इसको ट्रायल बेस पर सभी राज्यों में एक एक पैक्स को ले रहे हैं। इससे हमारा भंडारण व्यवस्था में अगर ये योजना हम सब मिलकर सफल करते हैं, मुझे विश्वास है होगी ही सफल, तो भंडारण व्यवस्था में कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा अगले 5 साल के अंदर होगी। इससे आप समझ सकते हैं पैक्स कितने वायबल होंगे। हमने देश भर की कोऑपरेटिव का एक डेटाबेस बनाया है जिसका 90% काम समाप्त हो चुका है। यहाँ भारतीय सहकारी संघ में बैठकर, सहकारिता मंत्रालय में और किसी भी रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार की ऑफिस में क्लिक करने मात्र से ही हर गांव के अंदर कितनी सहकारी संस्था है, हर तहसील के अंदर कितनी सहकारी संस्था है, हर जिले में कितनी सहकारिता संस्था है, इसका एक मैप मिल जाएगा। इससे हम वैक्यूम को आइडेंटिफाई कर, खाली जगहों की पहचान कर
हम हमारे एक्सपांशन का काम करेंगे। अगले 3 साल के अंदर हमने लक्ष्य रखा है कि अभी जो 85,000 पैक्स है, इसके जगह अगले 3 साल में ये देश की हर पंचायत में पैक्स होगा, मतलब 3 लाख पैक्स इस देश के अंदर अस्तित्व में आएंगे। तभी जाकर सहकारिता का खाका बहुत मजबूत होगा। जेम प्लेटफॉर्म पर क्रेता के रूप में और मार्केटिंग के लिए, दोनों के लिए जेम से हमें मंजूरी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। गैस की एजेंसियों के लिए भी क्षेत्र को खोला है, पेट्रोल पंप के लिए भी खोला है। 1100 नए एफपीओ पैक्स के माध्यम से बन रहे हैं और अब खाद वितरण में भी पैक्स की भूमिका को हमारे खाद्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे इनिशिएटिव, सस्ती अनाज की, अरे दवाइयों की दुकानें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र के माध्यम से होती है वो भी अब पैक्स कर पाएंगे। ढेर सारे काम किए हैं। सालों से आयकर के कानून में हमें अन्याय होता था, कंपनी के साथ हमारी समानता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने एक ही झटके में सारी असमानताओं दूर कर कंपनी के साथ कोऑपरेटिव को एक समान दर्जा दिया है। इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होने वाला है। शुगर मिलों के सालों से लंबित 15,000 करोड़ के टैक्स डिस्प्यूट और फ्यूचर में ये टैक्स डिस्प्यूट जनरेट न हो, इस तरह की व्यवस्था करी है। मैं आज सबको विनंती करना चाहता हूं कि बहुत जोर से ताली बजाकर इसका स्वागत करिए। 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया के टैक्स डिस्प्यूट को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने एक ही विधेयक से रिजोल्व कर आगे पर इस तरह से डिस्प्यूट खड़े न हो, इसकी भी कानूनी व्यवस्था करी है। हम डेटाबेस के साथ साथ एक सहकारी नीति भी बनाना चाहते हैं जो अमृत काल के अंदर सहकारिता के एक्सपांशन का काम करेंगे। ट्रेनिंग, पारदर्शिता, ये दोनों पर भी बहुत थ्रस्ट देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सहकारिता इनिशिएटिव बनाने के लिए भी अभी अंतर मंत्रालय डिस्कशन चालू किया है। कुछ ही समय में हम इस पर निर्णय कर पाएंगे जिससे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तहत तहसील तक जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसको मॉडर्नाइज कर एक ही प्रोग्राम के तहत, एक ही अभ्यासक्रम के तहत समग्र देश के अंदर डेयरी के क्षेत्र के विशेषज्ञ बाहर निकलेंगे, बैंकिंग के निकलेंगे, कंप्यूटराइजेशन के निकलेंगे, सहकारिता क्षेत्र के भी हमारे सिद्धांतों को समझने वाले युवा इससे बाहर निकलेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन का प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम हाथ धरेंगे। ये यूनिवर्सिटी का काम इसलिए सरल है कि आज देश में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण की लगभग 630 संस्थाएं वैसे ही काम कर रही, उसको एक एक्सटेंशन बनाकर ये यूनिवर्सिटी बहुत सुचारू रूप से काम करेगी और एक समान कोर्स होने के कारण देश भर के सहकारिता आंदोलनों को गति मिलेगी। मित्रों, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय की जरूरत को वो इतना ही समझते हैं जितना मैं और आप समझते हैं। हर इनिशिएटिव को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी की जो कल्पना है, हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, देश में देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो नीचे का तबका है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीता था, जिसको मोदी जी ने अभी अभी ढेर सारी सुविधाएं दी है, अब वो अपनी बेसिक सुविधाओं की मशक्कत से बाहर निकला है, वो आशा के साथ अपनी नई पीढ़ी के सामने देख रहा है। उसके पास पूंजी नहीं है, इसकी छोटी छोटी पूंजी को एकत्रित कर कोऑपरेटिव से एक बड़ी पूंजी बनाकर उसको भी उद्यम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे। इसका मुझे भरोसा है। हर क्षेत्र में सहकारिता के एक्सपांशन के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, मगर मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि हमने भी स्वयं शिस्त से पारदर्शिता और परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा। ये कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है।
अगर हम ये कर लेते हैं तो समग्र देश के सहकारिता आंदोलन को हम बड़ा बल देंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो सहकारिता का इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आज के महासम्मेलन के अध्यक्ष माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अत्यंत ऊर्जावान एवं प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव